नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशाली। तो आज हम प्रेपोजिशन का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हमने पूरी सीरीज चला रखी है, उसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स के ऊपर वीडियोस दे दिए हैं। और आज हम प्रेपोजिशन का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो आगे की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ, तो अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पार्ट वन में हमने देखे थे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, आज हम देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो सबसे पहले है यहाँ पे इन, ऑन और एट। तो इन तीनों का ही समय के संदर्भ में किस तरह से यूज़ होता है, ये हमने पार्ट वन में देखा था। आज हम देखेंगे कि इनका प्लेस के संदर्भ में किस तरह से यूज़ होता है। तो देखिए, जब भी हमें कोई एग्जैक्ट प्लेस बताना है तब एट का यूज़ होगा, लेकिन अगर हम कोई लार्जर एरिया की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट प्लेस नहीं है हमारे पास, तब हम इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ आई एम एट स्कूल, तो ये जो स्कूल है ये एग्जैक्ट प्लेस हो गया, तो उसके साथ एट लगता है। फिर अगर हम बोल रहे हैं कि आई एम एट होम और एट हॉस्पिटल, तो ये सारे एग्जैक्ट प्लेसेस हैं, तो उसके साथ एट लगता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं आई एम एट रूम नंबर 301, तो ये सारे के सारे एग्जैक्ट प्लेस हो गए। लेकिन अगर मैं कोई सिटी के नाम दे रही हूँ, जैसे कि आई एम इन अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबाद में हूँ ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जो अहमदाबाद है वो काफ़ी बड़ा है, तो एग्जैक्ट प्लेस ये नहीं हुआ है। तो वैसे केसेस में इनका यूज़ होगा। जैसे कि आई एम इन इंडिया, तो इंडिया भी बहुत बड़ा हो गया, कोई स्टेट है, कोई विलेज है, तो ये सारा एक थोड़ा सा बड़ा एरिया दिखाता है, तो वैसे केसेस में इनका यूज़ होगा। अगर ऑन की बात करें तो ऑन का यूज़ होता है, जैसे कि स्ट्रीट है, फ्लोर है, राइट, तो उसके साथ ऑन का यूज़ होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इन और ऑन का व्हीकल के साथ किस तरह से यूज़ होता है। जैसे कि हो गया कार, बस, ट्रेन, तो इनमें से किसके साथ इन लगेगा और किसके साथ ऑन लगेगा, तो यही चीज़ हम आज सीखेंगे। तो देखिए, जिस किसी भी व्हीकल में लार्ज फ्लोर स्पेस है उसके साथ ऑन लगेगा, मतलब कि जिस व्हीकल के अंदर हमें थोड़ी बहुत चलने की जगह मिल जाती है तो उसके साथ ऑन लगेगा, और जिसमें स्मॉल स्पेस है यानी कि जिसके अंदर हमें चलने की जगह नहीं मिलती है उसके साथ इन लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, इन अ कार, तो कार के अंदर हम बैठ तो सकते हैं लेकिन उसमें चलने की जगह बिल्कुल भी नहीं होती, तो उसके साथ इन लगाएंगे। जैसे कि इन अ स्मॉल बोट, तो कोई स्मॉल बोट है तो उसके अंदर हमें चलने की जगह नहीं बैठती है, बैठने की ही जगह मिलती है, तो उसके साथ भी इन लगेगा। अगर बात करें बस, तो देखिए बस के अंदर बैठने की जगह मिलती है लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ा सा चलने का एरिया मिल जाता है, तो उसके साथ ऑन लगेगा। फिर देखिए ऑन ट्रेन, ट्रेन में भी काफ़ी स्पेस होती है। फिर देखिए शिप, शिप बहुत बड़ी होती है तो उसमें भी स्पेस मिल जाती है, तो इन सब के साथ ऑन लगेगा। अगर बाइक है या तो फिर मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है, तो ये सारी चीज़ें कैसी है कि उनके ऊपर बैठा जाता है, हम क्या बोलते हैं कि बाइक के ऊपर बैठ के चला रहा हूँ, तो वैसे कैसे में बाइक है, मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है, ये जो ओपन व्हीकल होता है उसके साथ भी ऑन लगता है, राइट। तो जिसमें कि स्पेस ज़्यादा है उसके साथ भी ऑन लगेगा, और जो भी ओपन व्हीकल है उसके साथ भी ऑन लगेगा। उसके अलावा जिसमें कम जगह मिल रही है और जो क्लोज्ड व्हीकल है उसके साथ इनका यूज़ होगा। अब हम देखते हैं टू, टूवर्ड्स और अलोंग। तो पहले देखते हैं टू और टूवर्ड्स में क्या अंतर है। तो फर्स्ट एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बता दी कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ। सेकंड एग्जांपल, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, यानी कि जब भी हमें सिर्फ किसी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि मैं इस दिशा में जा रही हूँ तब टूवर्ड्स का यूज़ होगा, राइट। जब भी हमें कोई दिशा बतानी है कि मैं इस दिशा में जा रही हूँ तब टूवर्ड्स का यूज़ होगा, और टू का यूज़ होगा जब हमें कोई एग्जैक्ट प्लेस के ऊपर जाना है तब टू का यूज़ होगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, यानी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, यानी कि मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ, उस दिशा में मैं जा रही हूँ। अब बात करते हैं अलोंग की। तो अलोंग का मतलब होता है कि पैरेलल। पैरेलल मतलब अगर एग्जांपल दूँ तो जो रेलवे के हमारे जो पटरी होती है वो होते हैं पैरेलल, यानी कि दोनों पटरियाँ कैसे चलती है, साथ साथ चलती है, तो उसको बोला जाता है पैरेलल। अब इसका एग्जांपल देखिए, आई एम वॉकिंग अलोंग द बीच, यानी कि बीच के पैरेलल हम चल रहे हैं। अब बीच का मतलब होता है कि किनारा, राइट। तो अगर ये नदी का किनारा है तो हम कैसे चलेंगे, किनारे के साथ साथ हम इस तरह से चलेंगे, तो वैसे केसेस में यूज़ होता है हमारा अलोंग का। और कौन सी जगह पे अलोंग का यूज़ होगा, जैसे कि अलोंग रोड,
अब देखिए, अगर हम चल के जा रहे हैं तो सपोज़ कीजिए ये हमारा रोड है, तो अगर हम चल के जा रहे हैं तो क्या हम रोड के बीचों बीच चलेंगे? नहीं चलेंगे। हम कहाँ पे चलेंगे? रोड के बाजू में जो हमें जगह मिल रही है उसके साथ साथ हम चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, रोड जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में उसके साथ साथ हम चलेंगे। तो ये भी हो गया पैरेलल। तो उसके लिए हम यहाँ पे अलोंग का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे रोड दिया गया है और अगर हम ड्राइव करके जा रहे हैं तो हम रोड के बीच में या तो फिर रोड के ऊपर चलाएंगे, तो वैसे केसेस में यूज़ होगा हमारा ऑन का, राइट। फिर देखिए, अलोंग बैंक, अलोंग बाउंड्री, अलोंग बिल्डिंग, राइट। तो बाउंड्री है अगर, तो बाउंड्री के हम साथ साथ चलेंगे, बाउंड्री के ऊपर नहीं चलेंगे, राइट। तो वैसे केसेस में अलोंग का यूज़ होगा। तो सिंपली अलोंग का मतलब होता है कि साथ साथ। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट की, तो इसका मतलब होता है प्रतिकूल या तो फिर विरुद्ध में। अगर हमें किसी के विरुद्ध में कुछ करना है तो उसके लिए भी अगेंस्ट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट COVID-19, यानी कि COVID-19 के सामने हमें पूर्व उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि COVID-19 के अगेंस्ट में, यानी कि उसके विरुद्ध में ये स्टेप्स करने हैं, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, द एविडेंस इज अगेंस्ट हिम, जो सबूत है वो उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे भी उसके खिलाफ या तो फिर उसके विरुद्ध में है, तो इसलिए यहाँ पे भी अगेंस्ट का यूज़ हुआ है। इसके अलावा अगेंस्ट का यूज़ किसके लिए होता है? सटकर, यानी कि अगर मुझे बोलना है कि जो सीढ़ी है वो दीवार से सटकर खड़ी है, अगर इस तरह से दीवार है और उससे सटकर इस तरह से सीढ़ी हमने रखी है, यानी कि सटकर सीढ़ी खड़ी है, तो उसके लिए भी अगेंस्ट का यूज़ होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, पुट दैट बैट अगेंस्ट दी वॉल, तो ये वॉल है और उसको सटकर यहाँ पे हमें बैट रखना है, तो वैसे केसेस में भी अगेंस्ट का यूज़ होता है। अब बात करते हैं अक्रॉस की, तो इसका यूज़ जो है अलग अलग तरह से होता है। तो फर्स्ट देखिए, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक रिवर है और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो सामने की तरफ रहता है, राइट, यानी कि सामने की तरफ, ऐसा बोलने के लिए यूज़ होता है अक्रॉस का। एग्जाम्पल देखिए, माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड, यानी कि सपोज़ ये रोड है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि सामने की तरफ मेरा घर है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामने की तरफ बताने के लिए अक्रॉस का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि सपोज़ ये यहाँ पे रोड है और इसके ऊपर एक ब्रिज है, जो कि ब्रिज कैसे होगा, यहाँ से शुरू होगा और इसके ऊपर से होके सामने की तरफ जाके ख़त्म होगा, यानी कि पूरा इसके एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक ये होगा, तो उसके लिए भी अक्रॉस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, द ब्रिज इज़ अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पे रिवर का एग्जाम्पल लिखा है, ये एक रिवर है और इसके ऊपर से होके इस तरह से ब्रिज जा रहा है, तो वैसे केसेस में भी अक्रॉस का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, गो अक्रॉस, तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ कीजिए यहाँ पे इस तरह का एक फील्ड है जिसमें कि मैं यहाँ से निकल के इस तरह से जा रही हूँ, यानी कि बीच में से अगर हम इस तरह से जा रहे हैं उसके लिए यूज़ होता है गो अक्रॉस का। एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट अक्रॉस द रिवर बाय बोट, तो यहाँ पे रिवर का एग्जाम्पल लिया है कि सपोज़ कीजिए ये रिवर है और उसमें से हम बीच में से होके इस तरह से जा रहे हैं, तो जब हम इस तरह से बीच में से होके पसार हो रहे हैं तो वैसे केसेस में गो अक्रॉस का यूज़ होता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक तो होता है अपोजिट साइड के लिए, फिर होता है एक साइड से शुरू होके दूसरी साइड पे ख़त्म होना, और एक होता है बीच में से होके गुजरना, तो इन तीनों के लिए ही अक्रॉस का यूज़ होता है। अब बात करता है कम अक्रॉस की, तो इसका जो मतलब है ये इन तीनों से थोड़ा सा अलग होता है। किस तरह से अलग होता है देखिए, तो कम अक्रॉस का मतलब होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से हमें कोई मिल गया, तो वैसे केस में कम अक्रॉस का यूज़ होगा, या तो फिर अचानक से हमें कोई अच्छा सा दृश्य देखने के लिए मिल गया, तो वैसे केसेस में कम अक्रॉस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल वुमेन वाइल आई वॉज वॉकिंग, यानी कि जब मैं चल के जा रहा था तब अचानक ही मुझे ये सुंदर स्त्री मिल गई। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अचानक ही कोई मिल गया है, तो वैसे केसेस में कम अक्रॉस का यूज़ होता है। और देखिए, यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाला पॉइंट ये निकल के आता है कि कम अक्रॉस के साथ कभी भी आपको सडनली का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि देखिए, क्योंकि कम अक्रॉस का मीनिंग ही यही हो रहा है कि अचानक से मिलना, तो ऑलरेडी इसके अंदर अचानक वर्ड आ चुका है, तो इसलिए हमें फिर से सडनली का यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा विथ का यूज़ भी आपको नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे हम इस तरह से नहीं बोल सकते हैं आई केम अक्रॉस विथ अ ब्यूटिफुल वुमेन, इस तरह से यहाँ पे विथ का यूज़ नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कम अक्रॉस के साथ
विथ या तो सडनली का यूज आपको नहीं करना है। तो आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखिए, प्रेपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। सो अगर आप नेक्स्ट वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।